बिसम इब्राहिम वेलकम डियर कोलीग्स टू टूडे सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट क्वेरीज. स्टूडेंट की क्वेरीज को हम एलएमएस के सेक्शन में जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन है जो मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड यानी एम कहलाता है स्टूडेंट अपनी कोेरीज़ दौराने तो लेक्चर देखते हुए वीडियो देखते हुए या हैंडआउट्स को पढ़ते हुए रियल टाइम में वहाँ पोस्ट कर देते हैं और स्टूडेंट्स के क्वेरीज़ को जब हमारा इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन होता है तो वो सुबह या किसी भी टाइम उसको अगर उसके पास वीपीएन एक्सेस है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एम डी बी प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे फॉर स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट विद द इंस्ट्रक्टर्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स दे फेस इन अंडरस्टैंडिंग अ वीडियो लेक्चर और एनी अदर कोर्स रिलेटेड मटेरियल। अब इसका एक यूनिक फीचर जो है एम का वो ये है कि जब एक स्टूडेंट क्वेश्चन पोस्ट करता है तो ना सिर्फ वो बाकी स्टूडेंट्स को विजिबल होता है बल्कि जो इंस्ट्रक्टर उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हैं उनका रिस्पॉन्स भी बाकी तमाम क्लास के लिए विजिबल होता है तो ये एक क्लासरूम का एन्वामेंट सा क्रिएट कर देता है जिसमें आप देखते हैं कि एक इंगेजिंग क्लासरूम में स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन करते हैं तो बाकी तमाम जो तलब इलम होते हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं उस लेक्चर में तो ये एक इसका यूनिक फीचर है कि एम डी बी का क्वेश्चन एक स्टूडेंट नहीं बल्कि बाकी तमाम क्लास जो उस सेक्शन में अवेलेबल होती है उसको वो अवेलेबल होता है इसलिए आपको एम डी बी का जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अभी हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि आप किस तरह से एम डी बी आपके पास इंटरफेस में नज़र आती है और आप किस तरह से उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो इसके लिए हम अपने एल के एडमिन व्यू पर जाते हैं अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करने के बाद हम इसमें लॉग इन होते हैं उसके बाद हम अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करते हैं जो करंट फंक्शनल सेमेस्टर है और जो कोर्स हम उस वक्त पढ़ रहे हैं या जो कोर्स हमारे पास उस टाइम असाइंड है हम उसको सिलेक्ट करते हैं एल एम एस के बाकी जो प्रीवियस सेक्शन आपने देखे हैं उसमें हम एल एम एस के सेक्शंस को डिटेल में डेमोस्ट्रेट कर चुके हैं अब इसलिए हम डायरेक्टली एम डी बी की तरफ जा रहे हैं ये एम डी बीज आप देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त अगस्त का स्टार्ट है ये सेमेस्टर ऑलमोस्ट अपने फाइनल एग्जाम्स की तरफ जा रहा है तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो टूवर्ड्स द वेरी एंड है हमने अपने जितने लेक्चर्स ओपन किए थे उनको अब क्लोज़ करके उनके एम डी बीज को क्लोज़ कर दिया गया है तकरीबन तमाम लर्निंग एक्टिविटीज़ भी क्लोज़ हो गई हैं और डेट शीट ओपन है अपने फाइनल एग्जाम के लिए तो ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं इसमें हम जो पहले हमने एम डी की हुई है उसको देखते हैं तो ये आप देखिए शुरू के लेक्चर्स में एम की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि डेफ़िनेटली स्टूडेंट एनरोल हुए होते हैं नए उस कोर्स में वो उस कोर्स की चीज़ों को समझना चाह रहे होते हैं और अभी हम देखते हैं कि किस नोयत के क्वेश्चंस आते हैं एम का इंटरफेस है ये आप देख लें कि एम uh, किस वक़्त पोस्ट हुई है उसको किसने रिस्पोंड किया है ये आप देख रहे हैं और इसके ऊपर एक रेटिंग का फीडबैक मैयर करने का सिस्टम भी मौजूद है इस एम को अगर हम ओपन करें तो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं वालेकुम सर एक्सप्लेन आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन अब हम इसको रिस्पोंड करने के लिए क्या करते हैं डायरेक्टर साहब की खसूस हिदयात के मुताबिक वो चाहते हैं कि ये मोनोटनस ना लगे रोबोटिक ना लगे ह्यूमन फील आए इसमें इसलिए इंस्ट्रक्टर्स जब रिस्पॉन्ड करें एम डी बी को तो वो ह्यूमन रिस्पॉन्स लगे तो इसके लिए सबसे अच्छा फीचर क्या है कि आप एड्रेस करें स्टूडेंट को या लर्नर को तो बेहतरीन तरीका है कि आप उसको उसके नाम सिपारीए तो इसका नाम है स्टूडेंट का अलिशा शफीक अब इसके रिस्पॉन्स में हमने लिख दिया डी आर उन्होंने चूंकि वालेकुम कहा है तो हमने उसका वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया उनके क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एड्रेस किया है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन इन ब्रीफ मीन्स वट इज़ द फंडामेंटल आइडियोलॉजी इन विच द एजुकेशन लाइज इन द डिटेल्स रिलेटिंग टू एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीव्स ऑन्टोलॉजिकल बिलीव्स एंड एक्सीोलॉजिकल बिलीव्स डिपेंड अपॉन दैट आइडियोलॉजी टॉपिक्स आर एक्सप्लेन वेल इन देंड आउट्स यू मे प्लीज रेफर टू दैंड आउट्स फॉर फर्दर डिटेल्स तो इस तरह का एक कंप्रिहेंसिव जवाब हम उसको देना चाहते हैं कि जिसमें उसका क्वेश्चन आस्क भी एड्रेस हो जाए और अगर वो मज़ीद डिटेल चाहता है तो वो भी एड्रेस हो जाए अच्छा ये एम डी बी को हम आ, इस तरह से फ्रेज करते हैं कि बाद में हम इसको एडिट भी कर सकते हैं लेकिन एडिट करने की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए अभी हम इसके लेटर स्टेजेस में आज के सेशन में देखेंगे कि बेहतर तरीका क्या है क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं एम डी बी इसको रिस्पॉन्ड करने के अब जब मैं इसको सेव करूँगा आज के इसके रिस्पॉन्ड को तो आप देखेंगे कि ये आज की डेट से सेव हो गया है ये देखिए अगस्त थ्री टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री जो आज का टाइम है वो डिस्प्ले हो रहा है तो इसमें एडिट की ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो पहला रिस्पॉन्स हो वही कंप्रीहेंसिव रिस्पॉन्स हो और स्टूडेंट को ये रिस्पॉन्स जब विजिबल होता है तो वो उनको कहा गया है कि वो अपना फ़ीडबैक भी दें ये फ़ाइव स्टार रेटिंग है किसी एम में वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं फीडबैक दे देते हैं किसी एम डी वो अपना फ़ीडबैक नहीं देते अच्छा कुछ है इस तरह की नेचर की एम कुछ आपको इस तरह की एम नज़र आएंगी जैसे आप देखिए डन और हमने उसका जवाब आगे से दिया है थैंक यू तो इसी डिटेल को हम आगे जाके के मज़ीद देखते हैं कि क्या सवाल आए स्टूडेंट का तो हमने उसको किस तरह से प्रोफेशनली एड्रेस करना है जी तो आपने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखी कि एम का इंटरफेस क्या है और किस तरह से हमने स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करना है अब कुछ हिदायात हैं कि एम का बेहतर रिस्पॉन्स किस तरह से हो सकता है देर आर सेवरल डाइवर्जनस ऑफ़ स्टूडेंट क्वेरीज स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीक़ों के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं उन्हीं कोश्चन्स को यहाँ पर हमने अपने एक्सपीरियंस के तहत यहाँ पर चॉकडाउन किया है आपके लिए प्रजेंट कर रहे हैं कि क्या मुख्तलिफ अनवा के सवाल आ सकते हैं और उनके क्या इफेक्टिव आंसर्स हो सकते हैं सबसे पहले है कि इेलीवेंट क्वेरीज दोज में भी रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स और अदर डिसिप्लिन क्योंकि जब स्टूडेंट्स शुरू में एनरोल होते हैं कोर्स में तो उनको मालूम नहीं होता कि उन्होंने इफ़ेक्टिवली इस कोर्स को ऑपरेट कैसे करना है एल के साथ उनकी चूंकि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती तो कुछ कन्फ्यूजनस भी हमें नज़र आती हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क द क्वेरीज़ रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स अब हमने इसमें यह देखना है कि अगर वो सब्जेक्ट अलाइड नेचर के हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या दोनों बेसिक या जनरल या कंपल्सरी नेचर के सब्जेक्ट्स हैं तो एक इंस्ट्रक्टर उसका जवाब दे सकता है आप ये भी कर सकते हैं कि आपके साथ अगर जो दूसरे इंस्ट्रक्टर उस कोर्स को देख रहे हैं आप उनसे भी उस एम डी के बारे में पूछ लीजिए और उसका इफेक्टिव जवाब आप स्टूडेंट को दे दीजिए तो इनरेलीवेंट जो किसी दूसरे डिसिप्लिन का कोर्स है उसका जवाब देने का एक ये तरीका है अच्छा दूसरी जो नेचर है एम के क्वेश्चन की वो ये है कि कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर ऑफ़ क्वेश्चन हो जो डिफरेंट किसी और डिसिप्लिन के कोर्स से रिलेट करता है तो उसमें हम स्टूडेंट को ये कह सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल चल रही है कि एक एजुकेशन का कोर्स है और उसमें किसी ने मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने कोई एम कर ली है तो आपने स्टूडेंट को सिर्फ प्रॉपरली गाइड करना है कि डियर जो भी उस स्टूडेंट का नाम है प्लीज़ दिस एम डी बी इन एग्जैक्ट दैट कोर्स तो इस तरह से आपने पोलाइटली उसको एड्रेस कर देना है अच्छा फिर है जो नॉन क्वेरी स्टेटमेंट्स हैं जरूरी नहीं जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है कई दफ़ा स्टूडेंट प्रेजेंट लिख देते हैं कई दफा वो येस yes लिख देते हैं कई दफा थैंक यू लिख देते हैं तो इनके भी हम डिफरेंट कैटेगरीज यहां पर अभी डिस्कस करेंगे समे कामेंट अबाउट टीचर्स द कॉमेंट्स अबाउट टीचर्स लाइक्स एंड डिसक्स ऑन एम डी बीस शुड बी हैंडलर डिस्करेज इन अ वेरी पोलाइट वे फिर सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं जैसे अगर आपने कोई एक्टिविटी दी है क्विज की या असाइनमेंट की और के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि हमारे एरिया में इंटरनेट फेलियर हो गया था या लोड शेडिंग हो गई थी तो इस तरह के कोई स्टूडेंट्स आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो द रिस्पॉन्स टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट शुड बी इन सच अ वे दैट यू शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द करेंट सी फर्दर मोर इट कैन बी गाइडेड टू द स्टूडेंट्स टू आस सच क्वेश्चन थ्रू ई मेल्स एज डिस्कशन बोर्ड इज़ फॉर ऑनली कोर्स रिलेटेड क्वेरीज इसके अलावा कुछ ग्रीटिंग्स की तरह की आपको एम डी बीज आएंगी जैसे कोई खास इवेंट आया है अगर इस्लामिक मंथ का स्टार्ट है इस्लामिकयर का स्टार्ट है कोई ईद आ गई हैं रमज़ान आ गए हैं या कैलेंडर यर न्यू स्टार्ट हुआ है तो इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स आपको हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर हैप्पी ईद इस तरह के वो आपको ग्रीटिंग्स uh, की एम करते हैं तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप उन्हीं ग्रीटिंग्स को उनसे बेहतर अल्फाज में रिस्पॉन्ड कर दीजिए फिर है क्रॉस आंसरिंग इफ आ स्टूडेंट रिप्लाइज एनी अदर स्टूडेंट्स क्वेरीज इज दैन सच स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज जैसा आपको बताया कि एम एक ऐसा फॉरम है कि जिसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन बाकी तमाम क्लास को व्यूएबल है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर कॉमेंट्स कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स उसको रिस्पोंड कर देते हैं तो ऐसे करने वाले स्टूडेंट्स को आपने बड़े पोलाइटली डिस्करेज करना है और उनको बताना है कि ये फॉरम सिर्फ इंस्ट्रक्टर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए है एक और जो आपके सामने एम की नेचर आएगी वो होंगी लेक्चर रिलेटेड क्वेरीज लेकिन एम क्वेरीज इफ आ स्टूडेंट पोस्ट अ क्वेरी अबाउट योर कोर्स बट द क्वेरी सीम्स टू बी एम अवॉइड से स्ट्रेटली आंसरिंग दैट क्वेरी दैट दिस क्वेंटर इज अन आंसरेबल इस तरह के स्ट्रेट आपने जो क्वेश्चन देने हैं वो वो डिसक्रेजेबल हैं आपने इस तरह से नहीं कहना आपने एक बफर स्टेटमेंट बनानी है यानी बड़ी पोलाइटली आपने स्टूडेंट को कहना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये मजीद बेहतर तरीके से आप पूछ सकते हैं और अभी आपने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आपने उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड जरूर करना है सच क्वेरीज शुड बी आंसर्ड अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मैंशन टू द स्टूडेंट दैट देयर इज एम्बिग्विटी इन हिज और हर क्वेरी And ask him or her to rephrase that query and post again. लेकिन एक इसमें जो एहतियात की बात है कि आपने उसको on the face of it refuse नहीं करना आपने अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करनी है आप चाहें तो उस वीडियो में जा सकते हैं चाहें तो उस हैंड में जा सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपने जवाब ज़रूर देना है हाँ बेहतर यह है कि आप आखिर में लिख दें कि अभी भी अगर आपकी क्वेरी एड्रेस नहीं हुई तो इसको रिफ्रेस कीजिए यह आपको आ, एम की जो असल एसेंस थी ये हमने उस कैटेगरी को इसमें जनरलाइज किया है कि जनरल कोर्स रिलेटेड क्वेरीज जब आपने कोई असाइनमेंट ओपन की है जब आपने कोई क्विज ओपन किया है तो उन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो क्वेरीज आएंगी उनको हमने क्लब किया है जनरल कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में इफ़ द स्टूडेंट आस्क डायरेक्टली अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट देन इट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कई दफ़ा वो असाइनमेंट अगर उन्हें समझ ना आ रही हो तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर इसका सोल्यूशन क्या है तो इस तरह के हमने जो आ, उनकी क्वेरीज़ हैं उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करना कि हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे हाँ हम उनको ये ज़रूर कहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उसके मुताबिक इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए फिर अगर वो कोई मिस्टेक रिपोर्ट करते हैं आपकी असाइनमेंट में या क्विज में तो आपने उसको बहुत केयरफुली देखना है बेहतर तो ये है कि आप उस वीडियो को जाके देखिए कि क्या उस वीडियो में वो मटेरियल रिसोर्स पर्सन ने ठीक तरह से बताया है फिर आप उसके हैंड आउट में जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कि कहीं हैंड आउट में कोई टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं है कहीं हैंड आउट में कोई हमारे से मिस्टेक तो नहीं होगी उसकी कंपोजिंग में उसकी अपलोडिंग में या उसकी फ़ाइल uh, बनाते हुए तो जब आपने मेक श्योर sure कर लेना है तो फिर आपने स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करना है कि थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट मिस्टेक और आपने मेक श्योर sure ये करना है कि अपने एंड पे उस मिस्टेक को भी आपने रिड्रेस कर लेना है यानी उसकी करेक्शन आप जितनी जल्दी कर सकें वो आपने जरूर करनी है जब फिर कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम से जैसे मिड्स हैं और फाइनल एग्जाम्स हैं तो स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज करते हैं तो आपने उनको यही कह देना है कि आप एग्जाम को या आई से रिलेटेड जो आपके इशूज हैं उनको एड्रेस कीजिए डायरेक्टली उनको कोट करके उसके लिए हमने एक और सिस्टम वो हम WIS के मॉड्यूल में आपने पढ़ लिया होगा कि विज सपोर्ट टिकटिंग सिस्टम मौजूद है जो डायरेक्टली स्टूडेंट को उस ख़ास सेक्शन में उस ख़ास डिपार्टमेंट में ले जाता है फिर जो स्टूडेंट्स हमसे क्विज से रिलेटेड पूछेंगे या एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछेंगे उसको भी हमने पोलाइटली टर्न डाउन करना है और उन्हें यही कहना है कि आपको जो बेहतर समझ आ रही है आप उसके मुताबिक इसको अटैप्ट कर लीजिए फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं आप आपने ज़रूर अब तक एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि जो कहते हैं कि हमने एक ही दफ़ा क्वेश्चन पूछना है और उसके बाद हमने एम नहीं करनी तो एक ही क्वेश्चन में उनके जितने सारे अब तक की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें एड्रेस कर लेते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने उनके हर सेक्शन को तसली से समझना है उसको पढ़ना है और पॉइंट वाइज सीक्वेंस वाइज़ आप कोशिश करें कि उसको एड्रेस करें और साथ आप उसको ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट को कि बेहतर इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए तरीक़ाकार ये है कि आप एक एम में एक क्वेश्चन ही पूछिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स इस तरह भी करेंगे कि आज मिसाल के तौर पे अगर आपने अभी लेक्चर नंबर सेवन ओपन किया हुआ है या लेक्चर ट्वेंटी थ्री ओपन किया हुआ है तो वो लेक्चर ट्वेंटी फाइव का पूछ लेंगे क्वेश्चन या लेक्चर फाइव से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो अगर तो वो पिछले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो वो तो आप उनको एड्रेस कर सकते हैं आप उनको बता सकते हैं कि इस लेक्चर में आपने इस वीडियो में ये मेटीरियल पढ़ा है और उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लीज़ उस पॉइंट पर वापस जाइए और आपने उसके क्वेश्चन को एड्रेस ज़रूर कर देना है उसके अंदर लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो भी आने वाली वीडियो से रिलेटेड है तो उसमें आपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करना है कि आप प्लीज़ वेट कीजिए आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में एड्रेस किया जा रहा है और साथ उनको ये ज़रूर कहिए कि आपने हर वीडियो और हर टॉपिक का हैंड आउट ज़रूर पढ़ना है क्वेश्चन इन रोमन उर्दू हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टाइपिंग की वजह से कई दफ़ा वो मोबाइल पे लॉग इन कर लेते हैं कई दफ़ा वो लैपटॉप्स पे करते हैं कि जहाँ पे उनके पास उस तरह की एनवायरनमेंट नहीं होता कि वो प्रॉपर इंग्लिश में कर सकें या कुछ लोग होते हैं जिनकी अभी इंग्लिश उतनी उनको अपनी इंग्लिश पर ट्रस्ट नहीं होता और वो उसको हमसे रोमन उर्दू में क्वेरी करते हैं तो हमने उनको जवाब तो ज़रूर देना है ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कहेंगे कि चूँकि आपने रोमन उर्दू में कहा है तो इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे रहे हमने उनको जवाब इंग्लिश में देना है और बल्कि एक अच्छा तरीका ये है कि आप उनकी रोमन उर्दू को रीफ्रेज कर दीजिए प्रॉपर इंग्लिश में इससे स्टूडेंट को ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अगर उसने रोमन उर्दू में कोई क्वेरी करनी थी तो उसकी इंग्लिश किस तरह से हो सकती है स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्टूडेंट की जो लर्निंग में हिंड्रेंस है वो भी दूर हो जाएगी कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि चूँकि आप अब तक फेमिलियर हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो ओपन रहते हैं और स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है उसको अटैम्प्ट की मल्टीपल डेज़ में इसी तरह क्विज़ भी हम एटलीस्ट टू डेज़ के लिए ओपन करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स एम में अपने एग्जाम का क्वेश्चन या एम सी क्यू कोइज से रिलेटेड या कोई फिल इन द ब्लैंक पोस्ट कर देते हैं तो आपने ये स्टूडेंट्स को ज़रूर यहाँ पे बावर करा देना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा और यहाँ पे प्लीज़ सिर्फ कोर्स से रिलेटेड जो लर्निंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस कीजिए फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है कि स्टूडेंट ने बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक क्वेश्चन पूछा है जो टॉपिक से भी है उसने पूछा भी इंग्लिश में है और वो प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए बेहतर तरीकाकार ये है कि आप एक एग्ज़ाम्पल भी दीजिए आप उसको बताइए कि इस वीडियो में इस हैंड में इस पेज पे, इस लाइन में ये बात एड्रेस हुई है आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से उसको एड्रेस कीजिए प्लस आप रियल लाइफ एग्जैंपल भी दीजिए क्योंकि ये तो आपके पास उसकी लर्निंग को इन्हैंस करने का बहुत अच्छा मौका आ गया है इसको आप समझिए कि ये टू वे डिस्कशन सेशन हो गया है जब अगर आपके पास ऑन पॉइंट क्वेश्चन आया है तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उसकी लर्निंग के जो डायनेमिक्स हैं वो भी इनहेंस होंगे हाँ लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपसे कंप्यूटर का प्रोग्राम और कोड पूछ लेते हैं वो तो उसके लिए ये एडवाइज है कि आप इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट दैट कोड आप उसको इंकरेज करें कि वो पहले आपको कोई कोड आपको प्रोवाइड करें और फिर आप उसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिए अच्छा अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पास मुख्तलिफ़ एम डी पीज़ आई उनको हमने क्लब किया था और कैटेगराइज किया था टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम डी पीज़ में अब हम देखेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं एम डी को रिस्पॉन्ड करने के। तो डूज क्या हैं कि गिव रेफरेंस ऑफ द आंसर इफ़ इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम एनी वेबसाइट आप जानते हैं कि आप सब लोग यकीन एम फिल हैं और पी एच डीज हैं तो आप जानते हैं कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस ज़ाहिर करती है कि आपने उसको लिटरेचर से साइट किया है इसी तरह जब आप किसी दूसरे वेबसाइट से या दूसरे रिसोर्स से जब आप उसको साइट करेंगे तो आपने उसका रेफ़रेंस ज़रूर देना है ये प्रोफेशनल एथिक है तो इसको आपने ज़रूर मेक श्योर करना है फिर आपने अपनी एम को देखते हुए उसके स्पेलिंग्स को और ग्रामेटिकल एरर्स को ज़रूर मेक श्योर करना है कि वो ना हों उसका तरीकाकार ये है कि आप उसको लिखने के बाद दोबारा रीड आउट कीजिए ऊंची आवाज़ में पढ़िए तो ना सिर्फ आपका ब्रेन काम करेगा बल्कि आपके ईयर्स भी काम करेंगे और आपकी जो लर्निंग है वो आपको बता देगी कि इसमें कोई पंक्चुएशन का मसला आ रहा है या इसकी ग्रामेटिकल फ्रेजिंग का इशू आ रहा है फिर एक बहुत अच्छा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जितना सिंपल रख सकते हैं वो उतना प्रोफेशनल है बी एज सिंपल एंड एज़ पोलाइट एज पॉसिबल यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मिंग जब भी आप आंसर करें तो जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होती है जो कॉमन लैंग्वेज फ्रेजेज यूज़ होते हैं उनको आप यूज़ कीजिए और फिर तमाम क्वेरीज़ को समझने के बाद उसकी तमाम ज़मीर जिसको हम कहते हैं यानी जो स्टूडेंट का इंटेंट है एक टीचर के लिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का होना इसीलिए ज़रूरी है कि वह अपने स्टूडेंट के क्वेश्चन से समझ लेता है कि उसकी लर्निंग में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है तो आपने कोशिश करना है कि उसकी लर्निंग के गैप को समझिए और अपने एम को एड्रेस कीजिए है। कुछ हैं डोंट्स जो बहुत ही जरूरी हैं जिनको आपने अपनी कंसिड्रेशन uh, में ज़रूर ले आना है वो ये हैं कि कोई भी क्वेरी आपने अनएड्रेस्ड नहीं छोड़नी या कोई क्वेरी अन आंसर्ड ना रहे यहाँ पे एक जो नॉर्म सेट है वो ये है कि एटलीस्ट हम उसको 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड जरूर करें उसका तरीकाकार ये है कि अगर हम लीव पे हैं या हम एबसेंट हैं तो शेयर कोर्सेज में हम अपनी टीम लीड्स को या टीम मेंबर्स को जरूर बता दीजिए कि कल मैं नहीं आ सकता या कल मैं नहीं आ सकती तो आप प्लीज मेरी एम डी पीज को देख लीजिएगा अच्छा दूसरा ये है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना कभी भी अपने आंसर को ना नेट से डायरेक्टली ना ही हैंड आउट से डायरेक्टली ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है और जब एक टीचर ये प्रैक्टिस करेगा तो स्टूडेंट्स आप सोच लीजिए कि आपकी असाइनमेंट में वो क्या हाल करेंगे इसलिए हमने स्टूडेंट्स को अपने कंडक्ट से ये इंश्योर करवाना है कि किस तरह से हमने प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है और किस तरह से हमने आंसर करना है अपनी क्वेरीज को अब है कुछ एडवाइजेस जो जिनको हम गुड प्रैक्टिसेस कहते हैं वो ये है कि अगर आप इमीडिएट आंसर कर दें अपनी क्वेरी को तो आप एक बहुत अच्छे टीचर कहलाएंगे स्टूडेंट के साथ आपकी रेपो बिल्डिंग होगी स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लेगा अपने सब्जेक्ट में क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम एक कॉन्टेंट पढ़ रहे होते हैं या वीडियो वॉच कर रहे होते हैं उसी वक्त अगर हमें उससे रिलेटेड कोई एडिशनल मटीरियल या आंसर मिल जाए तो हमारी लर्निंग मेनटेन्ड रहती है वरना अगर ज़्यादा गैप आ जाए और हम नेक्स्ट कॉन्टेंट पर चले जाएँ तो वो गैप कभी फिल नहीं हो सकता फिर ये है कि जो भी आपने आ, आपने उसको जो हेल्पिंग मटेरियल देना है वो आप अपने कोलीग से या सीनियर के साथ ज़रूर आप कंसल्ट कर लीजिए जो आपने एडिशनल मटेरियल उसको प्रोवाइड करना है या जो कोई लिंक आपने प्रोवाइड करना है ये एक हमेशा अच्छी प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहती है कि जिस भी इदारे में आप हों उनके सीनियर से आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए फिर यह है कि आप अगर हैंड में या वीडियो में एक एग्जाम्पल बयान की गई है और उसने आपसे से एम भी पूछा है तो ज़रूरी नहीं कि आप वही वाली एग्ज़ैम्पल दोबारा कोट कर दीजिए वो तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है उसके पास तो आपने हमेशा नए इग्जाम्पल क्रिएट करनी है कोशिश करना है कि स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक आप वो एग्ज़ैम्पल क्रिएट कीजिए और फिर एक अच्छी प्रैक्टिस ये ज़रूर है कि अगर आपकी न्यू हायरिंग है न्यू जॉइनिंग है तो आप प्रीवियस सेमेस्टर्स के एम को ज़रूर देखिए कि किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया गया है फिर यह है कि स्टूडेंट्स को आपने हमेशा मोटिवेट करना है उसका बेहतर तरीका क्या है कि आप अपने एम के एंड में ये ज़रूर लिखिए कि अगर आपकी क्वेरी रहती है या इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस या अभी आप यू वांट टू ऐड मोर तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं इससे स्टूडेंट को ये यकीन आता है कि आगे वाले बंदे भी रिस्पॉन्सिव हैं और वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी लर्निंग को इनहेंस करने में आखिरी एडवाइस यही है कि आप उस क्वेश्चन को अप्रीशिएट कीजिए अगर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप उसको सिंपल और ऑर्गेनाइज मैनर में रिस्पोंड कीजिए बैड प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस क्या है कि हम बिला वजह डिले करते रहें अपने एमडीबी को आंसर करने में एक अच्छी प्रैक्टिस ये यकीन है कि हम सुबह जब आए अपने सिस्टम में और सबसे पहला काम जो हम करें वो अपनी एम को देखिए जितने भी कोर्सेज़ आपको असाइंड हैं आप उन एम को देखिए और सबसे पहले आप उन एम को जो पीछे हमने गुजारिशा कर दी हैं उन स्टेप्स को कंसीडर करते हुए अपने एम को करें अगर हम अननेसेसरी डिले करेंगे एम में तो ये एक बैड प्रैक्टिस कहलाएगी और ये है कि अगर आपको क्वेरी का नहीं पता तो आपने इनकरेक्ट आंसर नहीं देना ये एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है कि आपने अपनी लर्निंग को ख़ुद इन्हांस नहीं किया और आप स्टूडेंट से चाह रहे हैं कि वो अपनी लर्निंग को इन्हांस करें तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता आपने सरदस्त उसका रिस्पॉन्स नहीं करना सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए इंटरनेट से कंसल्ट कर लीजिए उस वीडियो में जाइए और उस हैंडउउट में जाइए और फिर अपनी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड कीजिए थैंक यू वेरी मच